Is 2023 the best year for anime lovers? Yes! But why? क्योंकि साल का आगाज ही हुआ है दो बड़े रिटर्निंग शोज विनलैंड सागा सीजन 2 और टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 के कमबैक से दोस्तों। लेकिन फिलहाल इन दोनों एनिमे का मैंने फर्स्ट सीजन अभी तक नहीं देखा, इसलिए इसके बारे में बात करना अभी ठीक नहीं है, तो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो फिलहाल मैंने ये सोचा है कि इस साल कुछ नए एनिमे ट्राई करते हैं, क्योंकि नया नया साल है और तो इस नए साल पे मुझे जो लगा कि एनिमे मुझे ट्राई करना चाहिए तो वो था नियर ऑटोमेटा V1.1 है दोस्तों। तो जो लोग ये नहीं जानते तो मैं उन्हें बता दूं कि नियर ऑटोमेटा की एनिमे अडैप्टेशन इसी के गेम से की गई है दोस्तों, जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर गेम माना जाता है, जिसे आज से 6 साल पहले 2017 में रिलीज किया गया था। तो जिन लोगों ने ये पॉपुलर गेम नहीं खेला है उनके लिए एनिमे का एक्सपीरियंस कितना ज्यादा कारगर साबित हुआ है, इसी के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो गेम्स, आपने और मैंने अपने बचपन से लेकर अभी तक काफी सारे वीडियो गेम्स खेले होंगे और कुछ वीडियो गेम्स तो हमारे जहन से अभी तक उतरे भी नहीं है, खासकर वो बचपन में खेले गए हुए वीडियो गेम्स। और दोस्तों बचपन में तो कुछ ऐसा सीन होता था कि अगर कोई वीडियो गेम का पर्टिकुलर मिशन है और वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसे कंप्लीट करने के लिए न जाने कितने घंटे बीत जाते थे दोस्तों, और हम तब तक खेलते रहते थे दोस्तों जब तक हमारी मम्मी की उड़ती हुई चप्पल हमारे मुंह पे ना आके पड़ जाए और हमें लेकिन जैसे जैसे वीडियो गेम्स की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उन पे लाइव एक्शन फिल्में और एनिमे अडैप्टेशन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। लेकिन लाइव एक्शन फिल्में मोस्टली ऑडियंस को इम्प्रेस करने में नाकाम साबित होती है, तो वहीं एनिमे अडैप्टेशन काफी हद तक सक्सेसफुल साबित होती दिखाई दी है। आर्केन, कैस्टलवेनिया, साइबरपंक जैसे वीडियो गेम्स को एनिमे अडैप्टेशन मिलते ही फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया है, और इसी चीज की डिमांड को देखते हुए एवन पिक्चर्स ने हाल ही में नियर ऑटोमेटा 1.1 की एनिमे अडैप्टेशन को हमारे सामने लेकर आया दोस्तों। एनिमे की ओपनिंग सीक्वेंस से लेकर काफी सारे एपिसोड्स के पोर्शन शॉट टू शॉट कॉपी किए गए हैं। तो नियर ऑटोमेटा के पहले ही एपिसोड में हमें ये बता दिया जाता है कि अर्थ पर एलियंस ने हमला कर दिया है और इंसान चांद पर जाकर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसानों के लिए चांद पर जाकर सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए इंसान धरती पर एंड्रॉइड सोल्जर्स भेजकर अर्थ का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। एनिमेशन की बात करें तो 2D एनिमेशन तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, स्पेशली दोस फाइट सीक्वेंस, लेकिन व्हेन इट कम्स टू CGI आप खुद ही देख लीजिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, CGI का यूज एनिमे में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि CGI का यूज गलत है, लेकिन अगर आप CGI का यूज करना ही चाहते हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि CGI 2D एनिमेशन के साथ काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड होना चाहिए, वरना वो किसी भी इंसान के लिए अनोइंग लग सकता है दोस्तों, क्योंकि CGI का यूज काफी ज्यादा थिन लाइन होता है और इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि एनिमे ना अलग का कोई एक लो बजट 3D मूवी के समान लगता है। खैर कोई नहीं, लेकिन ये चीज यहाँ तक ही गलत नहीं है। अगर किसी पॉपुलर गेम की की अप्रोच एनिमे मीडियम में भी काम करे ये जरूरी नहीं है, और यही चीज नियर ऑटोमेटा के एनिमेशन अप्रोच में भी देखने के लिए मिली है। अगर स्टूडियो CGI को छोड़कर 2D एनिमेशन पे ज्यादा ध्यान दे तो ये भी एक बढ़िया एनिमे बन सकता है दोस्तों। इसके वैसे तो दो ही एपिसोड रिलीज हुए हैं तो हम ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते कि आगे की स्टोरी कितना ज्यादा टर्न लेगी। ये जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि नियर ऑटोमेटा की स्टोरी अब क्या अप्रोच लेने वाली है दोस्तों। तो जैसे इसका season 1 खत्म होता है तो मैं आपके लिए इस एनिमे का कंप्लीट रिव्यू लेकर आऊंगा। वैसे तो नियर ऑटोमेटा के अलावा भी काफी सारे एनिमे भी रिलीज हुए हैं तो उन पर भी जल्दी वीडियो आने वाली है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर इस चैनल पे नए आए हो तो। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।